आज का जो वीडियो है ये सेटअप बॉक्स के SMPS के बारे में है। मेरा जो सेटअप बॉक्स का SMPS है ये वाला ये खराब हो गया, तो इस वीडियो में हम इसे रिपेयर करके दिखाएंगे और इस सेटअप बॉक्स का जो SMPS होता है कैसे काम करता है उसी के ऊपर भी कुछ बातें करेंगे। कौन सा पार्ट्स क्या काम करता है, फॉल्ट होने पे क्या आप कैसे रिपेयरिंग कर पाओगे। तो दोस्तों देखो ये जो सेटअप बॉक्स का SMPS है इसमें कुछ खराबी हुआ है, ताकि इस पर डिस्प्ले नहीं आ रहा है, ठीक से ऑन भी नहीं हो रहा है। तो पहले देख लेते हैं इसमें क्या हुआ है, उसके बाद आप लोगों को बोल देंगे कौन सा पार्ट्स क्या काम करता है और क्या होने पे आप क्या चेक कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने पहले इसमें पावर दे रहा हूँ, तो हमने इसमें पावर दे दिया। तो देखो यहाँ पे जो मीटर है 750 जो एसी वोल्ट उसमें दिया हुआ है, अभी देखेंगे इसमें वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। ये देखो इसमें वोल्टेज आ रहा है। दोस्तों मैंने एक काम करता हूँ, जब भी सेटअप बॉक्स या दूसरा कोई SMPS कोई भी इलेक्ट्रिक का काम करता हूँ तो इसको सीरीज में कनेक्शन कर लेता हूँ। तो अगर आपको हो सके तो आप भी सीरीज में कनेक्शन करके चेक कीजिए, ताकि यहाँ पे जो अगर आपका यहाँ पे शॉर्ट हो जाता है एसी पावर तो तुरंत आपका जो बल्ब होता है वो जल जाता है, इसमें आपका सेफ्टी हो जाती है। देखो ये देखो ये सीरीज का कनेक्शन है, मैं थोड़ा ऊपर करके दिखा रहा हूँ। ये देखो ये जो बल्ब है ये बल्ब जल जाता है जब यहाँ पे शॉर्ट करता हूँ, ठीक है। तो ये सेफ्टी के लिए किया जाता है। तो अभी देखते हैं यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ है, कौन सा पोर्ट में कितना वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। पहले से हम पावर को, और दोस्तों जब भी आप इसमें एक बार पावर दे देते हो तो इसमें कुछ चार्ज स्टोर हो रहता है, तो इसे शॉर्ट करना मत भूलिए। डीसी जो कंडेंसर लगा होता है ये इसमें पावर स्टोर किया होता है, तो इसे शॉर्ट कर दीजिए ताकि इसमें जो पावर है वो ड्रेन हो जाए, ताकि आप बोर्ड के कहीं पे अगर हाथ देते हो तो ये अनप्लग करने के बाद अगर कहीं भी हाथ दे तो आपका शॉक नहीं लगेगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो पोर्ट है यहाँ पे कौन सा वोल्टेज कहाँ पे आता है देखो, यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं पहले आप लोगों को। यहाँ पे जो पहले आता है आपका ये 5 वोल्ट है, उसके बाद ग्राउंड है, उसके बाद 24 वोल्ट निकलता है, उसके बाद 12 वोल्ट, उसके बाद ग्राउंड देख सकते हो, उसके बाद 3.3 वोल्ट जो सेंसर को सेंस करता है। तो अभी देखो यहाँ पे कितना वोल्टेज हमको कहाँ पे मिल रहा है, कौन सा वोल्टेज नहीं मिल रहा है वो पहले चेक कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को समझाएंगे ये SMPS मतलब स्विच मोड पावर सप्लाई कैसे काम करता है। तो दोस्तों फिर से हम इसे पावर दे रहे हैं, इसमें ये मैंने पावर दे दिया। और दोस्तों यहाँ पे जो पिन है ये आपके SMPS का इस साइड ओके है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से कुछ वोल्टेज यहाँ पे जा रहे हैं, मैंने चेक करके देखे हैं, वो आप लोगों को फिर से दिखा दे रहे हैं। देखो और देखो दोस्तों यहाँ पे जो ग्राउंड है ये सेकेंड वाला और यहाँ से सेकेंड वाला, ये दोनों पिन ग्राउंड है। ये देखो एक ग्राउंड का कनेक्शन इस यहाँ से आके 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 यहाँ से आके देख सकते हो, ये दोनों ग्राउंड पिन एक ही है। तो यहाँ से कहीं पे भी हम इसे लगा के फिर देखेंगे, इस ग्राउंड को ले सकते हैं, यहाँ पे भी ले सकते हैं, या तो फिर हम सेटअप बॉक्स का कहीं भी ऑडियो वीडियो जैसे पोर्ट है वहां पे भी हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखो हम इसमें लगा दे के उसके बाद वोल्टेज चेक करते हैं कितना वोल्टेज निकलता है। पहले हम डीसी मोड में कर लेते हैं 200 वोल्टेज के 20 वोल्टेज जहाँ पे है वहां पे कर लिया हमने। देखो अब देख सकते हो कौन सा पोर्ट में कितना वोल्टेज नहीं आ रहा है वो देखेंगे। यहाँ पे पहला जो पोर्ट है देख सकते हो आप, यहाँ पे एक मिनट, आप डिजिटल मीटर देख सकते हो यहाँ पे पहले आपका 3.3 वोल्ट जो है वो सही आ रहा है देख सकते हो, उसके बाद ग्राउंड इसमें कोई वोल्टेज नहीं आएगा, उसके बाद यहाँ पे 12 वोल्ट के आसपास निकलना चाहिए, तो यहाँ पे 16 वोल्ट कुछ ज्यादा ही निकल रहा है, मगर मेरे जो मीटर है इसमें थोड़ा हल्का सा ज्यादा शो कर रहा है। उसके बाद आपका ये 12 वोल्ट के बाद यहाँ पे 24 वोल्ट निकलना चाहिए था, तो यहाँ पे 24 वोल्ट नहीं निकल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो रेक्टिफायर था वो पूरा तरह बर्न हो चुका था, इसलिए उसे हमने खोल दिया यहाँ पे अभी, तो उसे रिप्लेस करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे 24 वोल्ट जो है वो निकल आएगा नहीं है, और यहाँ पे आपका 5 वोल्ट निकालना चाहिए, तो ये 5 वोल्ट ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं आप लोगों को, ये देखो ये जो सेटअप बॉक्स का जो SMPS होता है, SMPS मतलब स्विच मोड पावर सप्लाई, तो स्विच मोड पावर सप्लाई कैसे काम करता है। पहले यहाँ पे जो हम करंट देते हैं 220 वोल्ट, यहाँ पे जाके पहले ये चोक होके जाने के बाद यहाँ पे रेक्टिफाई होता है, रेक्टिफायर से रेक्टिफाई होने के बाद एसी से ये डीसी हो जाता है। डीसी होने के समय यहाँ पे जो कंडेंसर लगा हुआ है ये कंडेंसर वोल्टेज को फिल्टर करता है, मतलब कि वोल्टेज को स्टेबल कर देता है, कभी वोल्टेज ज्यादा हो जाता है कम हो जाता है ये थोड़ा करंट स्टोर कर लेता है, कम होने पे ये वोल्टेज फिर से दे देता है। तो
ये फिल्टर कंडेंसर है, और इसके बाद यहाँ पे एक ड्राइवर आईसी दिया गया है। पहले इसमें एससीआर आता था, एससीआर से ये जो चॉपर ट्रांसफार्मर है, चॉपर मतलब ये फ्रीक्वेंसी को जनरेट करता है, चॉपिंग करता है, और ट्रांसफार्मर मतलब एक इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फील्ड तैयार करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से क्या क्या होता है, यहाँ पे जो कोर लगा हुआ है, यहाँ पे इसके एक साइड में ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है। प्राइमरी में इसका फ्रीक्वेंसी बनता है, फ्रीक्वेंसी बनने के बाद यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है, उसी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से यहाँ पे फिर यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे भी कोर दिया होता है, तो कॉयल जैसा यहाँ पे दिया हुआ होता है, तो वहां से इसका वोल्टेज निकालता है। फिर यहाँ पे रेक्टिफायर से फिर इसका डीसी वोल्टेज, ये एसी फ्रीक्वेंसी निकालता है इसे, फिर यहाँ पे आपका डीसी में फिर से कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे कंडेंसर से मतलब कि कैपेसिटर से फिर से वोल्टेज को फिल्टर कर दिया जाता है। तो ये हो गया इसका काम। और यहाँ पे देखो एक छोटा सा ऑप्टो कपलर लगा हुआ है, ये फीडबैक देता है। जैसे यहाँ से फीडबैक आएगा तो ये चॉपर ऑन हो जाएगा और आपका ये एसएमपीएस काम करना चालू हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे देखो और एक बात, यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा होता है। अगर आपका सेटअप बॉक्स बॉडी हो जाता है, आपका कोई कहीं पे भी आपका कोई शॉर्ट सर्किट नहीं होने के बावजूद आपका सेटअप बॉक्स जो है वो आपका इलेक्ट्रो शॉक देने लगता है, तो आप ये जो कैपेसिटर है ये से आप निकाल सकते हो। इसका हमने इसलिए ओपन कर दिया, ठीक है। ये ग्राउंड से आपका लगा हुआ होता है, ये देखो ये जो ग्राउंड है, ये ग्राउंड से इसका ग्राउंड जो है उससे कनेक्शन होता है। ये देखो ये जो है कैपेसिटर का ग्राउंड, इससे इसका ग्राउंड से उसका ग्राउंड कनेक्ट होता है, तो इसे आप ओपन कर दे सकते हो। और ये जो एसएमपीएस है इसका इस साइड में ये देखो यहाँ पे मार्किंग कर किया हुआ है, इस साइड में आपका एसी पावर रहता है और यहाँ से आपका डीसी निकालता है, ठीक है। दोस्तों कहीं पे भी हाथ मत लगाना, आपको बहुत सा शॉक मिल सकता है। तो यहाँ पे पहले हम वो जो डायोड रेक्टिफायर था वो इस तरह से ये जल चुका था, तो वो यहाँ से फट के निकल गया था, तो उसे हम यहाँ पे अभी रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस करने के बाद देखेंगे इसमें जो है पावर आता है कि नहीं आता है। तो इसके लिए जैसे कि 24 वोल्ट का जो डायोड है वो गया है, इसके लिए आप यहाँ पे 4007 वोल्ट के अगर रेक्टिफायर यूज करते हो वो 0.7 वोल्टेज ड्रॉप करता है। दूसरा एक रेक्टिफायर है उसे हम यहाँ पे लगा देंगे, तो ये वाला अच्छा काम करेगा यहाँ पे, तो इसे ये ठीक हो जाएगा। ये बॉक्स जो है वीडियो नहीं आ रहा था वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, तो हम इसे पहले ही सोल्डर आयरन से इसे लगा दे रहे हैं। क्योंकि हमारा 24 वोल्ट निकल नहीं रहा था इसलिए मीटर का जो पोर्ट है वो उसे हम 200 वोल्टेज डीसी में रखे, और अभी देखेंगे इसमें पावर देखे कि वोल्टेज कितना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 5 वोल्ट जो निकल रहा है वो ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो ग्राउंड है, यहाँ पे 24 वोल्ट है वो निकलना चाहिए, 23 वोल्ट जो है वो निकल रहा है। यहाँ से देखो 24 वोल्ट के जगह थोड़ा कम हो गया, तो ठीक है इसमें चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद इस बड़ा वोल्ट जो था वो थोड़ा ज्यादा हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे 3.3 सभी वोल्ट ठीक है, मगर यहाँ पे जो 12 वोल्ट निकलना चाहिए था वो थोड़ा ज्यादा दिख रहा है यहाँ पे, तो इसे छोड़ते हैं, मगर इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसलिए हम इसे यहाँ पे छोड़ेंगे, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे हमने दिखाया कि सेटअप बॉक्स का जो एसएमपीएस होता है वो कैसे काम करता है, और ये देख लो यहाँ पे एक फ्यूज भी आता है, कभी कभी ये जो फ्यूज है भी बर्न हो जाता है, मगर इसे यहाँ पे तो इसका कुछ नहीं हुआ था। ये देखो इसे आप खोल के चेंज भी कर सकते हो, ये देखो ये छोटा सा एक फ्यूज दिया जाता है यहाँ पे, चलो इसे अभी हम फिटिंग कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक केबिन को रोकने के लिए यहाँ पे कैप होता है, वो इसमें नहीं है। अगर आपका भी इसका इस तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आप एक काम कीजिए, ये जो वायर है ना, ये वायर का कुछ निकल के यहाँ पे थोड़ा सा छेद कर दीजिए, उसके बाद इसे यहाँ से लगा दीजिए। इसे लगाने से आपका जो केबिन जितना पुल करोगे ना, तो इसका जो टेंशन है वो उसी तक वहां तक ही आपका रहेगा, ये टूटेगा नहीं। तो हम वही कर दे रहे हैं यहाँ पे देखो, तो हमने इसे पहले यहाँ पे लगा दिया ताकि जो केबिन है इसे पुल करेंगे,
तो ये इसमें टेंशन नहीं जाएगा। तो दोस्तों हमने फिर से एक बार चेक कर ले रहे हैं कि इसमें वोल्टेज सारे ठीक है कि नहीं। यहाँ से हमने ग्राउंड जो है वो पावर ले रहे हैं, और यहाँ पे पहले आपका 5 वोल्ट आना चाहिए, तो वो देख लेते हैं यहाँ पे कितना आ रहा है। ये 5 वोल्ट ठीक ही है। यहाँ पे इसके बाद सेकेंड में ग्राउंड है, इसमें कोई वोल्टेज नहीं शो करेगा। उसके बाद यहाँ पे 24 वोल्ट, तो 23 वोल्ट यहाँ पे ठीक ही है। तो यहाँ पे 12 वोल्ट, यहाँ पे कुछ ज्यादा दिख रहा था, ये 16 वोल्ट। चलो तो उसके बाद देखो यहाँ पे भी ग्राउंड होना, और यहाँ पे 3.3 वोल्ट देखते हैं, ये भी 3.3, ये ठीक ही है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे और एक चीज आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे देखो दूसरा जो और एक चीज है, यहाँ पे ये जो है वोल्टेज, इसमें ज्यादा एम्पेयर होता है करंट, ये एम्पलीफायर के लिए यूज किया जाता है आपका। यहाँ पे अगर कोई पावर सा, मतलब कि आप ऑडियो बोर्ड अगर लगाना चाहते हो और आपका स्पीकर आउट है, तो इसके लिए ये बोर्ड काम आता है। ये यहाँ से आपका ऑडियो जो बोर्ड होता है उसमें पावर जाता है 20 वोल्ट, क्योंकि यहाँ पे कुछ मीटर में भी मेरा गड़बड़ हो सकता है। क्योंकि देखो हम यहाँ पे एसी वोल्टेज जो को आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ तो कितना आ रहा है। ये जो सेटअप बॉक्स को पावर दे रहा था, इससे पहले खोल लिया मैंने, अभी देखो मेरा जो मीटर में है, मीटर में कुछ गड़बड़ हो रहा है। क्योंकि अभी जो वोल्टेज है, ये रात के समय यहाँ पे 230 वोल्टेज के कम ही रहता है, 220 वोल्टेज इतना सा रहता है। तो देखते हैं यहाँ पे कितना वोल्टेज आ रहा है। यहाँ पे देखो एसी वोल्टेज यहाँ पे कितना देख रहा है आपका, 249। तो यहाँ पे कुछ मेरा जो मीटर है वो उसमें थोड़ा गड़बड़ है, क्योंकि अभी जो वोल्टेज है मेरा एक्चुअल में ये इतना वोल्टेज नहीं शो करना चाहिए था, 250, ये थोड़ा ज्यादा ही दिख रहा है। तो देख सकते हो ये ऑन हो गया। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, और नए देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा लेना। और दोस्तों मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।